हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख मुख्य क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो 600 के लगभग हम लोग क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। 601 से हमें बात करनी थी। 601 का क्वेश्चन है हमारा, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो आपको बता देना है कैंसर थेरेपी। सीड थेरेपी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसेम्बा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो ये आपका राइजोबियम, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है तीसरा क्वेश्चन? रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो आपको बता देना है विटामिन के का। किसका? विटामिन के का। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। क्वेश्चन है चार, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो याद रखना, कोशिका में राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करना काम होता है। ठीक है। क्वेश्चन है पांच, प्लास्मोडियम फॉसिपरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका प्रोटोजोन में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा छठवा, क्या है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में पाया जाता है। किस में? यकृत में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सातवा, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके ब्लड शुगर से संबंधित। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठवां, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? तो ये है HIV के लिए। किसके लिए? HIV के लिए। क्वेश्चन है नौवां, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दसवां, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हेलोफाइटा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है ग्यारह, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका है आपका भालू। भालू जिस कुल का सदस्य है उसका उसका ही आपका पांडा भी होता। क्वेश्चन है हमारा बारहवां, विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13, पेरिपेटस किनका संयोजक है? यह है आपका एनेलिडा व आर्थोपोडा का। क्वेश्चन है 14, क्या है आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? यह है आपका सरीसृपों व पक्षियों का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आपका उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 16, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से? क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 18, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है?
ये आपका प्लास्मिड, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, अधि रक्त स्राव है एक अनुवांशिक विकार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 21, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23वां, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? तो ये है आपका ओ समूह, क्या है? ओ समूह, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? ये आपका फ्लोरोसेंट पाउडर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को। क्वेश्चन है हमारा 26, एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सभी। तो इसमें होगा डी, 27 में आपका डी होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 28, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का है ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो याद रखना, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, इसमें होगा ए या बी, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 29, रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो याद रखना, केवल ओ का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 30, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, तो याद रखना इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, ए एवं बी। याद रखिए, इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दी थी, ठीक है, बहुत पहले जब शुरू किए थे तभी डाल दी थी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन है हमारा 31, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो यह है आपका बारपिंड, क्या है? बारपिंड। क्वेश्चन है हमारा 32, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम होगा? तो ये होगा XXY, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 33, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? त्वचा का रंग के लिए, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 34, क्या है? बेजीन जो बाई गुणसूत्र के असंजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं होलैंडिक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावितता किस जेनोटाइप से उद्घाटित होती है? तो याद रखना AS, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 36, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण अनुवांशिक नहीं हो सकता है? याद रखना,
इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। और वो कौन कौन सकते हैं? ई नेम, एनेमल विहीन दांत, एनेमल विहीन दांत, युक्तांग युक्तांगुलीयता, चौड़े नथुने, ये सभी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा 37। क्या है क्वेश्चन 37? लक्षण जिनके जीन्स एक्स जुड़ गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। लिंग सहलग्न, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 38। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को हम कहते हैं फेनोटाइप्स। क्या कहते हैं? फेनोटाइप्स। क्वेश्चन है हमारा 39। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। क्वेश्चन है 40। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? लिंग सूत्र इन्यूप्लोइडी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40। 41। लिंग सहलग्न वंशागति की खोजकर्ता थे, मॉर्गन। 41 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 42। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिक का नियंत्रण करता है? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 42 में होगा रुधिर वर्ग, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 43। क्या है? ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो याद रखना, ये होती है आपके गुणसूत्र से। किससे होते हैं? गुणसूत्र से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा 44। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, वाल्डेयर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 45। फिनाइल कीटोन नूरिया नामक रोग में आपके ऊतकों में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाती है, डी ऑप्शन सही है 45 का। क्वेश्चन है 46। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, जीनोटाइप्स। क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स। क्वेश्चन है 47। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेटरोजाइगस है, तो बालक की हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? तो याद रखना, 50%, बी ऑप्शन सही है 47 में। क्वेश्चन है हमारा 48। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो सब संतानें रंजकहीन होंगी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति में उपस्थित जीन पर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50। क्या है? ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 51। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए और ओ, ए एवं ओ रुधिर वर्ग को दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, ए बी को। ठीक है। क्वेश्चन है 52। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए और बी है, तो इसके सीरम में होंगे, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 53। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस रोग किसके कारण हो सकता है? तो याद रखना, लाल रुधिराणुओं में के अभिश्लेषण के कारण।
बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चंगन, भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आर एच माइनस ऋण तत्व होता है? तो याद रखना 95, कितना नेगेटिव आर एच नेगेटिव तत्व होता है 95%। क्वेश्चन है आपका 55, वार्डांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? स्त्रियां। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 56, क्या है क्वेश्चन है 56, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? ये थे आपके स्टेनली मिलर। क्वेश्चन है हमारा 57, ए और बी नामक एग्लू टेनोजेंस किस में होती है, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? लाल रुधिराणुओं से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 58, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल अनुवांशिक लक्षण है? आर एच फैक्टर, आर एच प्लस फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 59, ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? केवल ओ। सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 60, वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई है जीन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 61, मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है 22 जोड़ी, कितनी? 22 जोड़ी। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 62, क्या है? किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? तो याद रखना ए बी में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 63, मानव के अधिकांश लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं एक्स गुणसूत्र में? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 64, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो याद रखना पिता के लिंग गुणसूत्रों से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 65, बार बॉडी कहाँ होता है? बार बॉडी स्त्रियों की दैहिक कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में। क्वेश्चन है हमारा 66, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां। क्वेश्चन है हमारा 67, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो लाल व हरे में, लाल एवं हरे में। 67 में आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका 68, क्या है? जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। क्वेश्चन है आपका 69, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 70, प्राण घातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण होता है? तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन है हमारा 71, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है लुप्त बोध
उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हसियाकार रुधिराणुओं एनीमिया। बी ऑप्शन सही है। 71 है आपका। उत्परिवर्तन किस में होते हैं? उत्परिवर्तन सिस स्टोन्स में होते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 73, क्या है? डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के की संकेत सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के संकेत की सूचनाएं होती हैं, एक्सॉन्स। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 74, क्षारक अनुक्रम यू 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 किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका फेनाइल एलानिन का। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 75, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं कोडान। क्या कहते हैं? कोडान। क्वेश्चन है आपका 76, अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन। 76 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 77, प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड आपके जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। 77 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 78, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 79, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। किस पर? गुणसूत्रों पर। क्वेश्चन है हमारा 80, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना, जेनेटिक कोड के लिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 81, किस कवक का प्रयोग जीन पिक्टन तथा नियमन में किया जाता है? तो याद रखना, न्यू स्पोरा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 82, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। तो याद रखना, एक्सॉन्स में। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 83, क्या है? मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया? वह था गार्डन पी। क्या था? गार्डन पी। ए ऑप्शन सही है। 84 क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन पेड़ किसने किया था? याद रखना, मूलर ने। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 85, क्या है? जीन क्रिया नियमन की ऑपरॉन धारणा किसने दिया था? तो याद रखना, ये थे आपके जैकवा एवं मोनो। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 86, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? क्रोमैग्नन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 87, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? तो याद रखना है, प्री कैम्बियम में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों की जीन बनाते हैं आबादी का जीन प्रवाह? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 89, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन आपका डी विज ने किया था, विज ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90, एक स्वरागित फसल है, एक स्वरागित फसल है ये आपकी धान। क्वेश्चन है हमारा 91, जर्म में प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, ऑंकोजीन संबंधित है, ऑंकोजीन आपका संबंधित है कर्क रोग से। किससे? कर्क रोग से। क्वेश्चन है आपका 93,
तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? याद रखना, आयनीय विकिरण, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 94। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। 94 में बी होगा। क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये आपका फास्फोरस 32। क्वेश्चन है आपका 96। इबोला है एक प्राणघातक विषाणु। 96 का ए है। क्वेश्चन है हमारा 97। क्वेश्चन है मिनी माता व्याधि या मिनी माता बीमारी निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? पारा के कारण होती है मिनी माता, ठीक है रोग। क्वेश्चन है हमारा 98। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? ये है आपके एडवर्ड जेनर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 99। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ये है आपका जापानी इंसेफलाइटिस। जापानी इंसेफलाइटिस सी ऑप्शन सही है 99 में। क्वेश्चन है हमारा 700। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन है? ए आपके बेटिक एवं बेस्ट। बी ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये थे आपके 700 क्वेश्चंस। 701 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।